हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विटामिन के ऊपर चर्चा किया था और बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, रुधिर के ऊपर और मानव शरीर के प्रमुख तथ्य के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक व उनका योगदान। प्रमुख वैज्ञानिक व उनका योगदान, ये आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। इन्होंने दोस्तों किस चीज की खोज की थी? तो इन्होंने सूक्ष्म जीव की खोज की थी। इन्होंने सूक्ष्म जीव की खोज की थी। ठीक है, अगला है नंबर दो पर इवानो वस्की। इवानो वस्की, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। विषाणु को दोस्तों वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने, इवानो वस्की ने विषाणु की खोज की थी। नंबर तीन पे है हमारे जोहान सन। ठीक है, जोहानसन, इन्होंने जीन शब्द के प्रतिपादक थे। ये जीन शब्द के प्रतिपादक थे। अगला है जीन बैप्टी स्टडी। जीन बैप्टी स्टडी लैमार्क। ठीक है, जीन बैप्टी स्टडी लैमार्क, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर जैव विकास का प्रतिपादन किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर जैव विकास का प्रतिपादन किया था। ठीक है, पांचवें नंबर पे हैं जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने पौधों द्वारा ऑक्सीजन की विमुक्तिकरण के बारे में बताया था। ठीक है, कि पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले ने पौधों द्वारा ऑक्सीजन की विमुक्तिकरण के बारे में बताया था। अगला है जानास साल्क। जानास साल्क, इन्होंने पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण किया था। पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण किया था। सातवें नंबर पे हैं जेम्स सिंपसन। जेम्स सिंपसन, इन्होंने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ए, बी और ओ रक्त वर्गों का पता लगाया था। कौन कौन से दोस्तों? तो ए, बी और ओ, इन तीनों रक्त वर्गों का पता लगाया था। और इन्होंने आरएच फैक्टर की भी खोज की थी और एंटीजन की खोज की थी। ठीक है, अगला है कार्ल वान मोल। कार्ल वान मोल, इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द के प्रतिपादक हैं। कार्ल वान मोल यह प्रोटोजोआ शब्द के प्रतिपादक हैं। लुई पाश्चर, दोस्तों लुई पाश्चर की बात करें, इनसे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। लुई पाश्चर हमेशा पूछता है इनके बारे में कि यह क्या है, इन्होंने किस चीज का खोज किया है। तो दोस्तों लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया है और इन्होंने किण्वन की खोज की है। और साथ साथ इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहते हैं। सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगला है नाल व रस्का। नाल व रस्का, इन्होंने प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है। 12वें नंबर पे है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। रॉबर्ट ब्राउन, दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति के प्रतिपादक कहा जाता है इनको। और इन्होंने कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति है इसको बताया था। कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति को बताया था। रॉबर्ट जार्विक, ठीक है, अगला है रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक की बात करें तो इन्होंने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था। दोस्तों सीरियल से देख रहे हैं आप लोग, सीरियल से रॉबर्ट आ रहे हैं और मैंने इसलिए सीरियल से लिखा है कि आप लोग को आसानी से ये याद हो सके। ठीक है, रॉबर्ट जार्विक, इन्होंने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था। रॉबर्ट एडवर्ड, रॉबर्ट एडवर्ड, इन्होंने परख नली शिशु विकसित करने की तकनीकी का विकास किया था। परख नली में शिशु विकसित करने का तकनीकी का विकास किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो इन्होंने हैजा व तपेदिक के रोगाणु की खोज की थी। हैजा व तपेदिक के रोगाणु की खोज की थी। रॉबर्ट विनबर्ग, रॉबर्ट विनबर्ग, इन्होंने कैंसर के जीन का पता लगाया था। कैंसर के जीन का पता लगाया था। थियोफ्रेस्टस, दोस्तों इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, थियोफ्रेस्टस बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनको वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनको वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक कहा जाता है इनको। एजी टेंसले को इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक कहा जाता है। एल्बर्ट सेबिन की बात करें तो दोस्तों इन्हें पोलियो टीका के विकासकर्ता के नाम से जाना जाता है। पोलियो टीका के विकासकर्ता के नाम से जाना जाता है। एंड्रियस विसेलियस, ठीक है, एंड्रियस विसेलियस, तो इन्हें आधुनिक शारीरिक के जनक कहा जाता है। आधुनिक शारीरिक का जनक कहा जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड, अगर हम क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करें, बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करें तो इन्होंने प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। अगला है चार्ल्स लेवरान, ठीक है, चार्ल्स लेवरान, इन्होंने मलेरिया के रोगाणु का पता लगाया था। मलेरिया के रोगाणु का पता लगाया था। आगे देखते हैं, आगे हैं दोस्तों एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर, अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और साथ साथ इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। एहरनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया है। मैंने आपको बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एहरनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया है। ठीक है, फंक ने विटामिन की खोज की थी। दोस्तों मैं विटामिन का भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं, मैंने उसमें विटामिन का के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है। और फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो दोस्तों इसको ये भी जान लेते हैं, हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि सन 1912 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंडा बेंडा माइट्रोकांडिया का नामकरण किए थे इन्होंने। बेंडा ने माइट्रोकांड्रिया का नामकरण किया था। बेटसन, दोस्तों बेटसन की बात करते हैं तो इन्हें अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादक कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस दोस्तों इन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कहा जाता है, और साथ साथ आधुनिक वनस्पति विज्ञान के भी जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, हॉर्नर, दोस्तों हॉर्नर की बात करते हैं तो हॉर्नर जो है मनुष्य में वर्णांधता का अध्ययन किया था इन्होंने। हॉर्नर ने सबसे पहले मनुष्य में वर्णांधता का अध्ययन किया था। ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, ये भी दोस्तों एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ह्यूगो डी ब्रिज, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। हॉपकिंस एवं फंक, हॉपकिंस व फंक, इन्होंने विटामिन मत के प्रतिपादक कहा जाता है इनको। ठीक है, विटामिन मत के प्रतिपादक। थोड़ा और है, उसको भी देख लेंगे। हिप्पोक्रेटस, ठीक है, अगला है हिप्पोक्रेटस। दोस्तों हिप्पोक्रेटस के बारे में जान लेते हैं, इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला है हरगोविंद खुराना, तो दोस्तों हरगोविंद खुराना के बारे में भी याद करके रखेंगे। इन्हें अनुवांशिकी कोड के प्रतिपादक कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड के प्रतिपादक कहा जाता है। हेंसन, ठीक है, हेंसन की बात करते हैं तो हेंसन ने कुष्ठ रोगाणु के खोजकर्ता के नाम से इन्हें जाना जाता है। हेंसन को कुष्ठ रोगाणु के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। हेंसन क्रेब्ज, ठीक है, हेंसन क्रेब्ज, इन्हें दोस्तों श्वसन की साइट्रिक अम्ल चक्र के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, डब्ल्यू वाल्ड वेयर, ठीक है, डब्ल्यू वाल्ड एयर, ठीक है, डब्ल्यू वाल्ड एयर ने क्रोमोसोम शब्द के प्रतिपादक के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्रोमोसोम शब्द के प्रतिपादक के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यू वाल्ड एयर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।